आज हम एक चीज बनाने जा रहे हैं। वो चीज तो हम रोजी बनाते हैं। अरे नहीं, वो वाली चीज है नहीं, आज हम चीज बनाएंगे। अरे वही तो कह रही हूँ, वो चीज बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो रोज बनाते हैं वो चीज ही नहीं होता, मतलब मोजरेला चीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रूपर, ये है पीयू। तो आज हम बनाएंगे मोजरेला चीज। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हमारा इंट्रो का सॉन्ग नहीं हुआ, उसके बिना हमारा वीडियो अधूरा है। तो चलिए उसको भी चला देते हैं। 1 2 3 गो। सो गाइस, मोज़रेला चीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। के घर में जो भी फुल फैट मिल्क आता हो आप वो यूज कर लीजिए। अब मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है और हमें इसमें बस ज्यादा उबाल नहीं आने देना है, हमें बस इसे गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि जस्ट हमारी उंगली बस बर्दाश्त कर पाए। तो गाइस, ये गर्म हो चुका है और देखिए मेरी उंगली आराम से इसे बर्दाश्त कर पा रही है। अब हमें इसको नीचे उतार के आगे का प्रोसीजर करना है। तो गाइस, मैंने इसको उतार लिया है और अब हमें इसे विनेगर से दूध को फाड़ना है। तो अब हम ये लगभग आधी कटोरी मैंने विनेगर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और इसको चलाएंगे। तो आप गैस पे ना रखें और गैस ऑन भी ना रखें, वरना फिर ये पनीर बन जाएगा। देखिए फटना शुरू हो गया धीरे धीरे, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा। और गाइस, आपको इसे वन साइड ही चलाना है, मतलब ऐसे चला रहे हैं तो ऐसे, या फिर उल्टा चला रहे हैं तो उल्टा ही, इसको उल्टा पीछे आगे पीछे ऐसे नहीं चलना। पानी अलग हो गया और ये एक साइड आ गया। देखिए मैंने इसको छान लिया है, दबा दबा के मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो भी निकालना है हमें। तो गाइस, अब हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हमें इसे गर्म पानी में धोना है। ये देखिए, ये गर्म पानी है। ओके गाइस, इसको मैं ऐसे डाल डाल के बहुत गर्म पानी है में, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ना, हमारा जो मोज़रेला चीज है वो बनेगा नहीं अच्छे से। सो गाइस, मैंने इसको गर्म पानी में वॉश कर लिया। देखिए एकदम चिल्ड, एकदम बर्फ वाला पानी। अब हमें इसमें इसे वॉश करना है, एकदम ही चिल्ड है ये, वो एकदम ही गर्म था। डाल के छोड़ दिया मैंने, फिर इसका इसका ये जो पानी है लगभग निकल चुका है। तो अब हम इसको रैप कर लेते हैं फूड रैप में। तो गाइस, ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप आई है, टूट भी नहीं रही है, बॉल जैसी एकदम आई है। देखिए अब हम इसे, फूड रैप होगा आपके पास ऐसा तो आप इसमें रख दीजिए, वरना इसको पन्नी में करके रख। और पॉलिथिन जो होती है जैसे करके फ्रिज में हम इसे फॉर 3 to 4 आवर्स के लिए इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। आप भी देखिए, अब हम एक नॉर्मल सा ग्रिल सैंडविच बना के दिखा देती हूँ आपको। सो गाइस, अब पीहू को इतनी भूख लगी रही है, तो चलिए उसके लिए नॉर्मल सा चीज सैंडविच ही बना देते हैं। पहले चीज को कर देते हैं ग्रेट। सो गाइस, जितना आपको यूज करना है आप यूज कर लीजिए।
वापस फूड रैप या फिर पॉलिथिन में रैप करके वापस फ्रीज में रख दीजिए। मैंने इतना यूज कर लिया है। सो गाइस, मैंने अब इसे ग्रेट कर लिया। चलिए अब बनाते हैं। पास्ता सॉस जो होती है आप नॉर्मल सॉस भी लगा लीजिए, जो भी आपको जो भी सॉस लगानी है। सो गाइस, मैंने टॉपिंग्स लगा ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीज को, मेन इंग्रेडिएंट है हमारे। आप चाहे तो मैं भी प्लेन ही बना रही हूँ, आप इसमें टॉपिंग्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, उसमें सब मिला होता है। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, अभी बना के खाने का। बहुत यम्मी है ये। देखिए पिंक भी कैसे ऐसे ऐसे कर दिए, इसको भी खाना है ये। तो जल्दी से ये खा सके इसलिए वीडियो भी हम जल्दी से खत्म करते हैं। आप भी इसे जरूर बना के अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और पीहू